मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हरदोई के संडीला में बर्जर पेंट्स की सबसे बड़ी विनिर्माण इकाई का वर्चुअली उद्घाटन किया। अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग से उन्होंने बटन दबाकर इकाई का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में निवेश कर रही विभिन्न कंपनियों से अपनी विनिर्माण इकाइयों के संचालन के साथ साथ स्थानीय युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह की इकाइयां न सिर्फ अपना विस्तार करेंगी बल्कि स्थानीय युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के एक बेहतरीन कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ 150 आईटीआई के एमओयू को आगे बढ़ाया है जिसमें 35,000 युवाओं को हम प्रतिवर्ष ट्रेनिंग देंगे। न्यू एज ट्रेड्स के साथ उनके स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम ट्रेनिंग देंगे न्यू एज ट्रेड्स के साथ उन्हें उनके स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और टीटीएल ने अपनी सहयोगी इकाइयों में उनके समायोजन की गारंटी भी दी है। अगले 10 वर्ष तक वह इस कार्यक्रम के साथ राज्य सरकार के साथ जुड़ी रहेगी और मैं चाहूंगा कि कम से कम एक स्किल डेवलपमेंट का सेंटर वहां पर अगर आपके माध्यम से हरदोई संडीला में स्थापित होता है, औद्योगिक विकास विभाग इसमें या यूपीसीडा इसमें आपका सहयोग करेगा तो स्थानीय युवा न केवल एक सकारात्मक भाव के साथ इस स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ेंगे बल्कि समय समय पर हमारे जनप्रतिनिधियों को भी इस सेंटर के माध्यम से अन्य क्षेत्रों के विकास करने, अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के नवाचार को आगे बढ़ाने में उन्हें मदद मिलेगी। आपको एक यहां पर सुरक्षित और फलदायी निवेश के प्रति आश्वस्त करता हूं। अपने सभी मान्य जनप्रतिनिधियों को, हरदोई की जनता जनार्दन को इस निवेश के लिए अपनी हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उन्हें इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि हरदोई, सीतापुर, उन्नाव या आसपास के जितने भी मध्य उत्तर प्रदेश के हमारे जनपद हैं इन सब में भी निवेश के प्रस्ताव इसी प्रकार से फलीभूत होते हुए दिखाई देंगे जैसे आज संडीला का यह निवेश का प्रस्ताव यहां पर जमीनी धरातल पर आज उत्पादन के लिए अपने आप को तैयार करता हुआ।